क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने सबसे पहले किराए के लोग जब उनसे मिलने आए थे, ये कहा था कि एक डिस्कशन रहेगा कि यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन भी निकल कर आएगा। तो मुझे लगता है ये डिस्कशन, इतनी खूबसूरत ऑडियंस जो लोग मायने रखते हैं, जो एक चेंज ला सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने अपना, मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने अपना नंबर दिया है कि कोई भी बच्चों का प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप बात करें। इतने सारे रेगुलेशंस की हमने बात की है, सो अवेयरनेस है, ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक मौका मिला यहाँ पर आकर अपने बात करने का। मैम, आज के सीरियल्स में देखा जा रहा है कि हर एक सीरियल्स में बच्चे कंपलसरी कर दिए गए, इस तरह से लग रहा है मैम, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उनका रूटीन देखा जाए तो फिर मैम लगभग 12 to 14 आवर्स वो सब भी वर्क करते हैं। जी देखिए, बच्चों का एक सॉफ्ट कॉर्नर सबको होता है और कहीं ना कहीं आपको बच्चों पर आधारित फिल्में बहुत या फिर कोई भी कहानी सीरियल अच्छी लगती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि उसके चलते आप ये ना करें कि बच्चों से 24 घंटे काम करें। कुछ लिमिटेड आवर्स रखें बच्चों के लिए, उन्हें बीच में रेस्ट करने का मौका दें, उनकी पढ़ाई ना छूटे, उनका खेल ना छूटे, ये चीज़ों को मद्देनजर रखें। अगर आप उनके साथ काम करें जो रियलिटी शोज होती है वो क्या फेक हो रही है देखा जाए तो फिर आज के दिन में? जैसे कि आपने मेंशन किया था इसके पहले, तो क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स वहाँ पे आपको रोना है, बाद में आपको रोना है, इस इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है आपका? सैड बात है कि हम लोग टीआरपी ओरिएंटेड हैं, जहाँ पर बच्चे ऑब्जेक्टिफाई होते हैं, बच्चों का मतलब बच्चों की तरह नहीं लेते, उनके इमोशंस पर कहीं ना कहीं ध्यान ज़्यादा दे देते, तो कहीं ना कहीं बच्चों की साइकिल पर बहुत इफेक्ट करता है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कहा गया था कि काउंसलर होना, इतने स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं जब हम इतने स्टिफ कॉम्पिटिशन में होते हैं, पढ़ाई आपकी रह जाती है, फैमिली से आप दूर होते हैं, कई बार आप हार जाते हैं, उसको कैसा ले पाते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है प्रोडक्शन हाउस अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो अच्छा। कोई मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स को, क्योंकि इसके पीछे मेन जिम्मेदार तो उनके पेरेंट्स ही देखा जाए तो फिर, क्योंकि इतना कहना चाहूँगी कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है, अपने सपनों को पूरा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समय कई बच्चों का बचपन आप गवा दें, ये जरूरी बहुत ज़रूरी है, और इसका ख्याल रखना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के दिन के बारे में सबसे पहले मैं क्या कहना चाहूँगा, प्रोटेक्टिंग आवर चाइल्ड आर्टिस्ट ये मुहिम है, यूनिसेफ की मुहिम है, NCPCR की मुहिम है, महाराष्ट्र CPR की मुहिम है, और क्राय की मुहिम है, मैं साथ में जुड़ गया हूँ। जो हो रहे रियलिटी शोज में उसके बारे में क्या कहना है देखा जाए तो फिर? 14 से 16 घंटे के लगभग में काम किया कराया जा रहा है बच्चों से, इसके बारे में, और ये फैक्ट है सर? नहीं, अगर ये फैक्ट है तो इसको चेंज होना पड़ेगा। और मामूलन अगर बच्चा शिक्षण संस्था से बाहर आता है 3-3 महीने, तो उसको वापस फिर जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसका एडजस्टमेंट है जो नहीं कर पाता, नहीं कर पाती, फिर इसका जिम्मेदार कौन है देखा जाए तो फिर? और जो भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स है, वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो इनके लिए कुछ गवर्नमेंट्स को हो गया अभी स्क्रिप्ट तो लॉक है, 2.5-3 साल से लगा या अब जाएंगे फ्लोर पे जाएंगे शूट करेंगे। काफ़ी पिक्स भी आई है इनकी जो एक्ट्रेस है देखा जाए तो श्रद्धा कपूर की, तो क्या कितनी प्रैक्टिस चालू इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बहुत प्रैक्टिस, इससे ज़्यादा मुझे बात करना अलाउड। ओके, थैंक यू सो मच।